तो नहाए खाए के साथ महान उत्सान की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। अब आपको लिए चलते हैं धनबाद एक बार, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी दिलीप, उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, बाजार गुलजार है छठ पर्व को लेकर, कैसी रौनक देखने को मिल रही है वहां? बिल्कुल, छठ पूजा को लेकर के काफी रौनक देखने को मिल रही है, बाजार भी गुलजार है। हालांकि सुबह सुबह लोग आए और जो आज का जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, कद्दू की सब्जी होती है, दाल होता है, उसको लेकर के सुबह सुबह भीड़ थी। अभी भी कुछ लोग आ रहे खरीदार। देखिए ये बाजार पूरे तरीके से सब्जी का बाजार, यहाँ पे अभी भी कद्दू रखे हुए हैं, इधर भी दुकानदार है, ये कद्दू रखे। और ये बाजार देखिए हीरापुर का बाजार है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दुकान में आ रहे हैं, जो प्रसाद बनाने की जो सामग्री होती है, वो तमाम सामग्री को खरीदने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस बार कोरोना काल के बाद पहली बार है कि काफ़ी सरकार ने रियायत दी है कि आप छठ घाट पे जा सकते हैं, भीड़ लगा सकते हैं, लेकिन उस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। और जो दुकानदार है वो भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं, ग्राहक भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं। किस तरह से बाजार इस बार दिख रहा है छठ पूजा? बोलिए, किस तरह का बाजार दिख रहा है? बाजार ठंडा है, मार्केट साग बहुत कम आ रहा है, महंगाई कम है, महंगाई है। हम और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह का वक्त था, जो आज प्रसाद है वो लोग खाने के लिए कद्दू खरीद कर ले गए थे, और यहाँ से प्रसाद बिकना भी शुरू हो गया। जैसे नारियल है, सेब है, शकरकंद है, अदरक है, और जो बेर है, कई हल्दी के पौधे हैं, जो डाव है, जो जिस त्यौहार में जो प्रसाद बनते हैं या फिर जो डलिया सजता है, डलिया में जितने प्रकार के फल होते हैं, वो तमाम फल को लेकर के बाजार में हीरापुर मंडी में सज चुके हैं। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और जैसे कि आज कद्दू भात खाने की परंपरा है, प्रसाद खाने की परंपरा है, तो लोग अभी घर में व्यस्त हैं, उस प्रक्रिया में व्यस्त हैं। उसके बाद जब दिन ढलेंगे तो शाम तक बाजार का रौनक और बढ़ जाएगा, लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, खरीदारी करेंगे, अपने तरीके से खरीदारी करेंगे। क्योंकि आज का समय काफ़ी होता है उनके लिए, आज शाम में वो सभी वस्तु खरीदेंगे। और जो कल खरना का प्रसाद होगा उसके लिए गेहूँ अगर वो घर में साफ किए हैं, घर में वो गेहूँ साफ किए हैं, तो वो उसके प्रसाद के लिए वो बनवा करके लाएंगे, पिसाई करेंगे। और खास करके अगर जो नहीं करे थे वो बाज़ार में आकर खरीदेंगे। तो धनबाद में भी बाज़ारों में भीड़ देखा जा रहा है। आज पहला दिन है, नहाए खाए का दिन है, तो थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेंगे श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बाज़ारों में दिखेगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दिलीप। और इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।